नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या की गुत्थी 24 घंटे में ही शनिवार दोपहर तक सुलझ गई। हमला सूरत के फरीद और अशफाक ने किया था, दोनों फरार हैं। जांच में सामने आया है कि घटना की साजिश दुबई में रची गई। हत्या को अंजाम देने के लिए सूरत में गैंग बनाई गई, इसके बाद लखनऊ जाकर हत्या की गई। घटना स्थल पर मिले मिठाई के डिब्बे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सूरत से साजिश में शामिल मौलाना मोहसिन सलीम शेख, फैजान यूनुस भाई जिलानी और रशीद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फैजान यूनुस सूरत की दुकान से मिठाई खरीदते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। उसके बाद मौलाना मोहसिन को पकड़ा गया, जबकि यूपी एटीएस ने कमलेश तिवारी पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखने वाले बिजनौर के दो मौलानाओं मोहम्मद मुफ्ती नईम काजमी और इमाम मौलाना अनवारुल हक को गिरफ्तार कर लिया। हमले का पूरा षड्यंत्र रशीद ने ही 2 महीने सूरत में रहकर रचा था। भाई सईद की शादी के लिए आए रशीद को मौलाना मोहसिन सलीम शेख ने और भड़का दिया था। जिलानी पार्क में रहने वाले रशीद शेख ने भाई फरीद शेख और उसी बिल्डिंग में रहने वाले दोस्त अशफाक के साथ पड़ोस की ग्रीन व्यू बिल्डिंग में रहने वाले फैजान और एक अन्य मौलवी मोहसिन को भी साजिश में शरीक कर लिया। आरोपियों का अंदाजा था कि सुरक्षा प्राप्त कमलेश तिवारी के करीब जाना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए सूरत की प्रसिद्ध घारी मिठाई के डिब्बे और भगवा कुर्ते का इस्तेमाल किया गया। हमलावर अशफाक और फरीद ने 16 अक्टूबर को सूरत से धरती नमकीन ब्रांड की घारी खरीदी थी। फरीद और अशफाक इसी डिब्बे में हथियार छिपाकर ले गए थे। दोनों आरोपी भगवा कुर्ता पहन के गए थे ताकि किसी को शक भी ना हो। कमलेश की हत्या करने के बाद आरोपियों ने सबसे पहले सूरत में रशीद और फैजान को फोन किया और कहा कि काम हो गया है। उसके बाद यहां के आरोपियों ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश।